सूजी या रवा से बना हुआ ये तवा ढोकला या रवा हांडवो मेरी बहुत ही पुरानी रेसिपी है जिसको आज मैं फिर से रिक्रिएट कर रही हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत ही लाइट है, हेल्दी है और बनाने में काफ़ी आसान है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। मैं हूँ शिल्पी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तवा ढोकला या रवा हांडवो बनाने के लिए यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है बड़ा सा, और मैं इसमें डाल दूँगी एक कप सूजी या रवा। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक बारीक किया हुआ टमाटर, एक बारीक किया हुआ प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, आधा कप दही। तो प्रपोर्शन में ये होता है कि अगर एक कप सूजी है तो आधा कप दही लेना है, और ये सूजी जो है ये नॉन रोस्टेड सूजी है। इसमें डाल देंगे एक टीस्पून नमक और इन सभी को अब हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए मैंने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हमें एक थिक बैटर बनाना है। ये देखिए सभी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम इसको कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। बैटर को सोक होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। आइए इसको चेक करेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये थोड़ा थिक लग रहा है अभी मुझे, मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी और इसको अब हमें करीब 4 से 5 मिनट तक अच्छे से इसी तरह से फेंटना है। इससे क्या होगा, जो हमारा तवा ढोकला है या हांडवो है वो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। तो ये देखें बैटर को मैंने बहुत अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे एक टीस्पून इनो। अगर आप इनो ना डालना चाहें तो आप इसमें सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आधा टीस्पून सोडा और उसके ऊपर एक चम्मच नींबू का रस डाल के आप इसमें डाल सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से मिलाएंगे हम, ये देखिए, और आइए फटाफट इसको कुक करेंगे। इसको कुक करने के लिए यहाँ मैंने एक पैन लिया है, तो थोड़ा सा वाइट पैन लें और इसमें हम डाल देंगे एक ऑयल की लेयर। इसमें डालेंगे थोड़े से करी पत्ते, इसके साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ी कटी हुई मिर्चें, थोड़े से चिली फ्लेक्स, आधी टीस्पून मस्टर्ड सीड या राई के दाने। इन सभी को थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। आप इस तरह से इनको तवे पे फैला दें और अब हम इसमें ये मिक्सचर डालेंगे। थोड़ा सा पैन को आप फैला लें जिससे ये मिक्सचर पैन पे अच्छे से फैल जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम हाई फ्लेम पे करीब 2 से 3 मिनट तक कुक होने देंगे। अब 2 मिनट हो चुके हैं, हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमे कर देंगे और इसको कम से कम 7 से 8 मिनट या फिर जब तक ये नीचे से अच्छे से कुक होकर क्रिस्प नहीं हो जाता है तब तक कुक होने देंगे। इसको कुक होते हुए ऑलमोस्ट 7 मिनट हो चुके हैं, हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए ऊपर से अच्छे से ड्राई हो गया है और हम एक बार इसको नीचे से भी चेक करेंगे। तो आई होप ये दिख रहा होगा आपको, अच्छे से कुक हो गया है नीचे से भी। हम एक प्लेट लेंगे और इस ढोकले को उस पर पलट लेंगे। तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, ये बहुत गर्म है। ये देखिए इस तरह हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सिका है। और अब हम वापस से इस साइड से इसको नीचे डाल देंगे। ये देखिए इसको हम नीचे से भी कुक करेंगे जब तक ये बिल्कुल इस तरह का क्रिस्प ना हो जाए। तो इसको कुक होने में बस 2 से 3 मिनट तक का टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम इस पर साइड से थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे जिससे कि नीचे से भी ये अच्छे से क्रिस्प हो सके। तो इस टाइम हम इसको खुले में ही पकाएंगे, इसको बंद नहीं करेंगे। तो इसको बस 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। ढोकले को मैंने करीब 3 मिनट और पकाया है और ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है और ये देखिए बिल्कुल स्टिक नहीं होता है पैन पे। तो तैयार है, मैंने इसको तवे से निकाल लिया है। अब हम इसको गार्निश कर देंगे थोड़े से चाट मसाले और पिसी हुई लाल मिर्ची के साथ। आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है और ये झटपट तैयार हो जाता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही लाइट और हेल्दी है। तो ज़रूर ट्राई करें और हमें फीडबैक में बताएं कि आपको कैसा लगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।